थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस थैंक यू कहना चाहूँगा सबका, आप लोगों का, पब्लिक का, जिसने पिक्चर देखी है और जिसको अच्छी लगी है, तो सबके लिए थैंक यू कहूँगा। जर्नी तो बहुत लंबी है यार, अब उसको मैं 2 मिनट में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन तक की जर्नी जो है उसके लिए कई लोग हैं जो आते हैं, जो फिल्म बनाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हों, राइटर हों, क्रू हो हमारा, और फिर इन दी एंड तो वो सब लोग फिल्म ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो ऑडियंस का शुक्रिया था तो मेरी तरफ से और क्रू की तरफ से। हाँ जी यार, वो तो अंदर जाने दोगे तो पता चलेगा धमाल क्या होने वाला है। अब वो फिल्म की कहानी ऐसी है, फिल्म का जो किरदार है, संदीप का जो किरदार है वो ही ऐसा है कि वो उसने अपने आप को इंस्पायर किया, अपनी फैमिली को इंस्पायर किया, अपने आसपास कई लोगों को इंस्पायर किया, हम लोगों को इंस्पायर किया इसकी फिल्म बनाने में, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसलेट होके ऑडियंस तक भी जाएगा और वो लोग भी इंस्पायर होंगे, और बच्चे, स्पोर्ट्समैन जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और मैं रोज़ किसी ना किसी का फ़ोन, रोज़ किसी ना किसी का मैसेज आता है कि वो लोग देख के उनको मुतासिर कर रही है फिल्म। अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि और किसी की बायोपिक बनेगी या और, बट नहीं, अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाला हूँ अगला, लेकिन कहानी की तलाश है, बायोपिक भी हो सकती है, आम कहानी भी हो सकती है, मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, पहले तो वो मुझे इंस्पायर करेगी तो फिर आगे चल के वो बनने की उम्मीद में रहेगी। आदमी तो हर फिल्म के साथ, हर रिश्ते के साथ, हर दौर के साथ चेंज होता है, बना ही इसलिए, दुनिया ही ऐसी है, तो हाँ इससे ये है कि एक एक इंस्पायरिंग कहानी जब आप इस तरह की बनाते हो और उसको लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो आप एक कमबैक कहानी बना रहे हो, उससे आपका अपना कमबैक भी जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। रुकना ना रुकने का सवाल नहीं उठता है, हर फिल्म एक अपनी मांग के साथ आती है, जो मांग आपको पूरी करनी पड़ती है, वो चाहे स्क्रिप्ट की शक्ल में हो, कास्ट की शक्ल में हो, क्रू की शक्ल में हो, तो वो अपने आप डिमांड करती है, ये उल्टा हिसाब नहीं चल सकता है कि आप पहले कास्ट ले आएँ और फिर फिल्म बनाएँ, वो अलग टाइप की फिल्म होती है, वैसी भी फिल्में बनती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह की फिल्म को का अप्रोच अलग होता है। आई थिंक कहानियों का ट्रेंड कभी नहीं जाएगा, समझ रहे हैं आप, तो वो चाहे बायोग्राफी की शक्ल में आए या ऑटोबायोग्राफी की शक्ल में आए या ज्योग्राफी की शक्ल में आए, कहानी का ट्रेंड कभी नहीं जाने वाला है, तो आपके पास जब तक अच्छी कहानी होगी और वो कहानी में दम होगा तो वो बनेगी। ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिल्म मैंने अभी नहीं देखी, मुझे तापसी ने फिल्म दिखाई नहीं, बुलाई नहीं। यार वो तो बहुत सारे इंसिडेंट होते, यही फिल्म है मेरे लिए इंसिडेंट, मैं 3 फ्लॉप के बाद मैंने भी कमबैक किया है, मेरी भी हार से जीत हुई है, तो यही इंसिडेंट है। मैं कभी इस तरह का सक्सेस सोचता नहीं हूँ कि कितना क्या होगा, मेन उम्मीद ये होती है कि पहले तो अच्छी फिल्म बन जाए और फिर लोगों को अच्छी लगे और प्रोड्यूसर का पैसा वापस आ जाए।
उतनी चीज़ों का आप सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सोचेंगे तो फिर वो गलत होगा। बहुत से ऐसे कॉम्प्लीमेंट हैं, मैं एक एक का नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हर आदमी का, हर इंसान का जज्बा अपनी जगह सही होता है, तो मैं एक का नाम लूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसा है कि बहुत बहुत लोगों ने, सीनियर जूनियर बच्चे, मतलब चारों तरफ से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले इस फिल्म को। थैंक यू। थैंक यू। देयर शुड बी मोर फिल्म्स आई थिंक गुड फिल्म्स, गुड स्टोरीज शुड गेट द अटेंशन ऑफ द फिल्म मेकर, वो स्पोर्ट्स की हों या पढ़ाई लिखाई की हों या किसी भी फील्ड की हो। नेक्स्ट प्लान तो इसके अंदर जा के देखना है कि क्या हो रहा है, तो अगला प्लान यही है। अगर डायरेक्टिव होगा और करना पड़ेगा तो दे देंगे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो वैसे भी सब चीज़ देवनागरी में पढ़ता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट भी देवनागरी में होती, मैं तो देवनागरी में ही पढ़ता लिखता हूँ, मैं तो व्हाट्सएप और SMS भी देवनागरी में करता हूँ। यार इट इज़ अ मूव, नाइस मूव क्या है, मतलब आपकी मातृभाषा है तो उसमें शर्माने की क्या बात है, इट्स अ नाइस मूव ओनली। मैम राइट, मैं जितनी भी ऑडियंसेस को ये पसंद आई है फिल्म एंड जितने लोगों ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, मैं उन सबको लाइक बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड जितना आई थिंक मीडिया ऑल्सो एंड एवरीबडी इज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड द फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने उम्मीद करी थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों को पसंद आई है और उससे कहीं ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए हैं स्टोरी के साथ। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग डील फॉर मी। एंड आज सब संदीप को जानते हैं, संदीप सिंह कौन है, नहीं तो पहले कोई फेसलेस कोई नाम था, सो आज सब जानते हैं कि वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ है। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो एक हमारे मेरे को सेटिस्फैक्शन है वो यही है दैट टुडे वी नो अ हीरो दैट हु प्लेड फॉर द कंट्री, सो वी नो हिम, सो आई फील वेरी वेरी हैप्पी जी। जी यू नो आई थिंक आई वॉन्ट टू थैंक द सेंसर ऑनेस्टली, क्योंकि जब हमने अप्लाई किया था इस फिल्म के लिए, हमने UA अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने खुद आके सामने से कहा कि हम चाहते हैं कि ये यू हो सर्टिफिकेट, बिकॉज सारे बच्चे आकर फिल्म देखें। सो डेफिनेटली आई थिंक बच्चों के लिए इट्स बीन एन इंस्पिरेशन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक फॉर ऑल द लव दैट एवरीबडी हैज शोन टू दिस फिल्म। सो या राइट, यू नो आई थिंक इतना आसान नहीं है टू चूज अ फिल्म, ऐसा कोई इतना लंबा कोई प्लान नहीं है अभी, लेकिन दो फिल्में हैं, दो स्टोरीज़ हैं, दो कहानियाँ हैं जो अभी फाइनलाइज हुई हैं, एक लव स्टोरी है एक थ्रिलर है, सो उनमें से लेट्स सी, कोशिश है कि
I think definitely by end of the year or yeah, next year. Early next year. एक्टिंग में एक और फिल्म है हमारी बाजार सैफ अली खान के साथ, वो आई थिंक एंड ऑफ सितंबर रिलीज होगी फिल्म. सो दैट विल बी, उसका एक गाना हमने अभी शूटिंग बची है, उसकी एक गाना बचा है. सो बाकी सब हो गया फिनिश्ड. यू नो आई थिंक क्योंकि एक बायोपिक है, मुझसे ये बहुत बारी लोग पूछ रहे हैं. मैं हर बार मैं सिर्फ स्मिता जी का नाम ले रही हूँ क्योंकि एज एन एक्टर मुझे लगता है कि जो उन्होंने लाइफ जी थी, पर्सनल लाइफ एंड पर्दे पे जो उन्होंने कैरेक्टर्स किए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों उनके जो लाइफ के यू नो साइड्स हैं. सो इतनी कोई इंटरेस्टिंग एक, इतनी पैशनेट एक किसी कैरेक्टर को अगर प्ले करने को मिले, दैट वुड बी अमेजिंग. ऑनेस्टली दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक आर्टिस्ट को जो काम मिलता है, जो ऑफर होता है, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है आप वो करते हैं. थोड़ा बहुत मे बी कुछ ऐसी चीज़ें मैंने रिफ्यूज़ कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, बट या बट आई एम होपिंग टू डू मोर वर्क. थोड़ा कभी लाइक दो चीज़ों के लिए हुआ है, बट नेवर माइंड. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, डेट्स नहीं था वो. सिर्फ आई वुड से जो स्क्रिप्ट पढ़ के एक कॉल ली, तो कभी कभी हो जाता है डिसीजन आपका गलत होता है, बाद में फिल्म बहुत अच्छी होती है, किसी और आर्टिस्ट ने करी होती है, जैसे कि तनु वेड्स मनु. आई ऑलवेज रिग्रेट कि मैंने वो फिल्म नहीं करी. सो या ओह थैंक यू. आई थिंक सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा इमोशन होता है, जो एक जनरल इमोशन होता है, वो पेट्रियाटिज़म होता है, जिससे हर कोई कनेक्ट करता है, कोई भी क्लास है, एज है. पेट्रियाटिज़म इज़ समथिंग दैट एवरीबडी फील्स वेरी, आई मीन फॉर योर कंट्री व्हेन यू प्ले. उससे बड़ा काम कि आपने अपनी इंडिया का ब्लेज़र पहना, यू नो, वो बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर के लिए. तो एक वो इमोशन डेफिनेटली हमने इसमें दिखाने की कोशिश करी है फिल्म में, एंड वो लोगों को पसंद आया है, कनेक्ट हुआ है यूथ से, दैट्स अ गुड थिंग. राइट, गलत टाइम पर रिलीज करी फिल्म एक्चुअली. आई एम सो हैप्पी, सच में मुझे लगता है कि अभी मुझे किसी ने बताया कि जहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट हो रहे थे वहाँ पे ये वाला गाना चल भी रहा था, वो लोग बजा रहे थे इस गाने को. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, वो उसको इतना अपना रहे हैं. एंड आई लव वंदे मातरम जो AR रहमान ने कंपोज किया था और गाया था, वो मेरा ऑल टाइम आई थिंक फेवरेट है. आई लव दैट सॉन्ग. आई थिंक करेक्ट है, हिंदी में भी होने चाहिए, एंड अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो हम सब उसको फॉलो करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच. मैं सभी दर्शकों को विश करना चाहती हूँ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. अपनी फ्रीडम को संभाल के रखें, उसको वैल्यू करें, एंड या लेट्स ऑल फील फ्री इन आवर माइंड. सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. थैंक यू. थैंक यू. I think there's a lot more that we need to achieve, and I'm hopeful that we will be doing that in the coming years. So yeah, it's
it's been satisfying, but there is a lot more that we will be doing. Yes, I am. Obviously, one is always a little more greedy. So one hopes for it, it to have done a lot more than it did, but we are not complaining. And the kind of love, the kind of appreciation we've received for this film, it's just phenomenal, phenomenal. And I'm extremely humbled and very, very grateful to the people of India and across the world for appreciating this film the way they have. Thank you so much. For that one, I'll only say I wish, I hope, and I pray. Thank you so much. Gigi. Except for here, I have not heard of one channel. What happened? ये साल हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके पहले जो फिल्म आई थी राजी वो भी बहुत पॉपुलर हो गई और इसके बाद सुरमा का सक्सेस सुन के और देख के हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है बिकॉज़ ये जो फिल्म जिसने बनाए हैं वो हमारे बहुत ही क्लोज दोस्त हैं जिनके साथ हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं शाद अली you know after all the films that he made ye film it has given him his success purely on merit unke mehnat se aur film ka jo content hai film mein jo performances hai jo direction hai jo camera work hai jo music hai lyrics hai sab it's got depth aur aesthetics hai aur uske wajah se ye film success hui ye sunkar aur dekhkar mujhe aur hame bahut khushi hui But actually this film is a honest film hai aur kya hai ki is the thing is that the way he's made it is such a simple story but the story which people don't know about aur uski jo emotion jo aati hai dekhte time that is really contributed to the success of the film music to pehle se aayi music was doing well but now when the film did well the music does extra well with that so it's a very good combination to happen and we're very happy about it फिल्म सही है स्टोरी एकदम सही है मतलब सच 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 ट्रू स्टोरी है और बहुत दिल से बनाए और सक्सेसफुल हुआ तो हम गुलजार साहब के बिना ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाता था बिकॉज यू नो इफ अ पर्सन of that caliber is ready to work with us work with a young director like Shahad and he puts in his heart and soul into the film wo ek matlab he's like the youngest person in the team you know aur unka jo passion enthusiasm hai aur lyrics likhne ka andaaz hai that is younger than any young writer in this country so for us just being in the same room jahan par Gulzar sahab hain that is the biggest blessing and we are very happy that along with him we were able to create songs like Ishq Di Bajiyan or Surma the title song so truly a blessing aap jab bhi matlab hote hain ya koi bhi song sunte hain to ek agar यस फॉर श्योर एक गाना है सुरमा में से ही मैं गाऊंगा और उसके बाद एक और गाना गाऊंगा विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडिपेंडेंस अपना इंडिपेंडेंस डे सो तगड़े ओए तगड़े डड्डे सुरमा सोने ओए सोने सड्डे सुरमा तगड़े ओए तगड़े डड्डे सुरमा सोने ओए सोने सड्डे सुरमा I'm wishing everybody a very happy Independence Day. And ये गाना especially for August 15th. Hey, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Thank you. Very soon. एक्चुअली मुल्क के लिए कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने ज़्यादा हैं कि अभी सीपिन होना बाकी है। अभी मतलब इतने ज़बरदस्त रिव्यूज़
मेरे को लगता है कि पिंक के बाद इस तरीके का रिस्पांस आया है यूनानिमसली फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विद फिल्म क्रिटिक्स. अब जनता की बारी है. आई मीन सो फार द पब्लिक रिस्पांस दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम पीपल हु आर वॉकिंग आउट ऑफ द थिएटर इज ट्रिमेंडसली गुड. सो जस्ट लेट्स होप दिस इज अ वर्ड ऑफ माउथ फिल्म. देखते हैं आप लोग भी देखी है तो प्लीज़ लोगों को बोलो अगर अच्छी लगी है तो. एंड लेट्स होप दैट ऑल्सो उसकी सक्सेस पार्टी भी मनाऊँ मैं. Of course, concern hota hai for the producer that they won't be able to make the money that they could have, and for I feel sad that good content will not reach there. So I feel sad for them. Tumhara case ladungi main Sumit. Tum bolo. Tumhara case pakka ladungi. Last question. Like you feel like the decision because there was a mix like people didn't make. मतलब मेरा चूज करने के टाइम पे जब पिक्चर चूज करी थी लोगों ने इसलिए बोला था नहीं करने के लिए क्योंकि उनको लगता था शायद जुड़वा 2 के बाद दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन टू डू अ फिल्म विच इज गोइंग टू बी सो हार्ड हिटिंग विच विल नॉट हैव द टिपिकल डांसिंग और यू नो दोस टिपिकल कमर्शियल क्राइटेरिया जो होते हैं. तो काफ़ी लोगों ने सोचा था नहीं करना चाहिए बट आई थिंक मेरे पास एक पिक्चर थी जिसने हम सबको गलत प्रूव किया था 2 साल पहले पिंक. तो आई थिंक मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर वो चल सकती है तो ये भी चल सकती है. सो लेट्स होप दिस आल्सो वर्क्स. आई ऑलवेज सेलिब्रेट माई इंडिपेंडेंस डे बीड इन फॉर्म ऑफ फ्लाइंग अ काइट or be it in form of just having a get together with my friends and all celebrating in some or the other way. But as an actor I can celebrate it and do my part of being part of such films which highlight patriotism. So Surma was one of course and then Mulk. I think I have been pretty patriotic this year. मैं बताती हूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उसकी एक लाइन बताती हूँ बाद में गाना इसकी एक लाइन बताऊँगी आपको गाना पता चल जाएगा कौन सा होता है उसकी एक लाइन बताऊँगी आपको गाना पता चल जाएगा कौन सा है. मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. ठीक है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. जा तो रही हूँ मेरे को पता नहीं था आपने बताया थैंक यू सो मच. एज एन एक्टर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आई थिंक वो जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है उनको डिसाइड करना चाहिए उनको ठीक लगता है कि नहीं. आई थिंक व्हाई नॉट हिंदी में भी आने चाहिए और मतलब जो भी लैंग्वेज इंडिया में बोली जा सकती है उन सब में आ जाने चाहिए. मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. तुमने ऑर्डर नहीं किया स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर नहीं किया सीट पे. मैं तो ट्राई करने वाली हूँ जाके मैं ट्राई करने वाली हूँ ऑर्डर करना. थैंक यू. हाँ जी Independence.